ये सब्जी ऐसे फैला हुआ है चारों तरफ, ये मैं कट करूंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं सब्जी कट करने, उसके बाद सब्जी बनेगी और इसे भी प्रसादी बोलते हैं एक तरह से छठ पूजा का। दिखा लीजिए फिर, और इसे भी प्रसादी बोलते हैं एक तरह से छठ पूजा का। तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, जिनके घर बनता है वो मेरी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। तो चलिए फटाफट से पहले सब्जी कट करते हैं और सब्जी बनाते हैं। सब्जी कट गया है हम लोगों का, बस थोड़ा सा है कच्चू, तो मम्मी वही काट रही है कच्चू। इस सब्जी में बहुत तरह की सब्जियां होती हैं, ये केला, कुमड़ा, मूली, ये मूली का पत्ता है, और चना होता है, बरबट्टी होता है, कोहड़ा होता है, मैंने शायद कोहड़ा बोला था। ये सारी सब्जियां हैं। अब ये जो मिक्स सब्जियां जब बनती है ना, आहा, कितना टेस्टी होता है मैं बता नहीं सकती। तो अब चलते हैं फटाफट से सब्जी बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। ये जो सिंदूर है, इसे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये छठ पूजा के पारण का दिन है, तो मैं दूसरा लोग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो छठ पूजा में, जिनके अगर छठ पूजा होती है या फिर जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि छठ पूजा में ठेकुआ के अलावा सब्जी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो सब्जी चढ़ती है वो सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हम लोग भी अब छठ पूजा वाला जो फल चढ़ा था अभी नाश्ते में, हम लोग नेक्स्ट डे हो चुका है, वो फ्रूट्स में काट रही हूँ कि इसको खाया जाए। और आज का नाश्ता हम लोग ये फल ही करेंगे, कल तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो सबको रेस्ट चाहिए था, छठ घाट बहुत ज़्यादा दूर है घर से। तो आगे जाने में बाकी पूजा का जो काम होता है, जिसके घर होता है वो तो जानते ही हैं। देखिए कितना शोर कर रहा है मेरा बेटा, आपको आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी, इतना चिल्ला रहा है। तो फटाफट से मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम सब बैठ के देखो, इनको सेव नहीं मिला है, कितना सारा सेव है, सेव फ्रूट्स का नाश्ता सबसे अच्छा। हाय एवरीवन, अभी शाम हो चुकी है और मैंने इसके पहले भी ब्लॉग डाला है, जब धरती पूजा की जो कि कोलकाता में मनाया जाता है। तो चूँकि मम्मी कहीं भी पूजा घूमने नहीं गई थी, सिचुएशन ही ऐसा था, दिन भर घर में बैठी रहती थी, तो मैं आई हूँ और पूजा भी है, तो मैंने बोला कि चलिए थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। वो अभी भी रेडी नहीं हो रहे थे, डांट के उसको रेडी करवाए हैं, तो बोले कि थोड़ा फिर तो चल जाऊँगी, दो तीन दिन के बाद चले जाऊँगी, तो वैसे भी वो कहीं नहीं जाने वाली है, थोड़ा सैड ही रहेगी एनीवे। तो एटलीस्ट जब तक मैं हूँ थोड़ा उसके चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी भी वो रेडी नहीं हो रही थी, गुस्सा करके उसे रेडी किया मैंने, बोले कि चलो तो चुपचाप से बैठे रहने से क्या मतलब है, और चले जाऊँगी तो ऐसे भी उदास होकर बैठी ही रहेगी। तो भी इसे फोर्सफुली रेडी किया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा सा स्माइल रहे उसके फेस पे, बस यही कोशिश करती हूँ। तो बस चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा इस बार का जगदंती पूजा बैठाया हुआ है, और आप लोगों भी घुमाते हैं और क्या क्या करते हैं आप भी देखेंगे। पारा पे बैठी हुई है जगधरती माता, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए फर्स्ट। और ये रहा मेरा हीरो, चलो ओए, देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है, मामा के साथ जा रहा है, अब गिर जाओ। हमारी टोली, मम्मा और मैं और मम्मा ट्रेनिंग कर रहे हैं, यल्लो यल्लो, कोइंसिडेंटली हो गया, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। चलिए चलते हैं घूमने और थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को। ओए नौ पका बोल मत, हां दोनों आदमी पीला 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 कर रहा है। घाट पे आ चुके हम लोग, बट ये
गलत दिख रहा होगा आपको, जा रहा है स्ट्रीट। ये फुल हो चुका है और खुल चुका है, और यहाँ टिकट का बहुत ज़्यादा लाइन था, चूँकि भाई पीछे है तो हम लोग नहीं जा पाए। अब इसके बाद ये वाला जो पीछे दिख रहा है, इसके पीछे वाला वो लोग आ रहे हैं, वो लोग उतरेंगे, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे। तो बस गंगा जी के तट पे हम लोग खड़े हैं। मुझे भी तो दिखाइए, नाव में आज हम लोग जाएंगे तो पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, तो पार्टी करेंगे। पागलपंती दिखा, अभी पूरे रास्ते ऐसे ही होने वाला है पागलपंती। तो चलिए चलते हैं। কিছু মুহূর্ত অপেক্ষা করব। लग रहा है यार ये so pretty। भीड़ दिख रहा है आपको, दुर्गा पूजा से कम भीड़ यहाँ भी नहीं है। पंडाल से बाहर निकल रहे हैं अभी हम लोग, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये आइसक्रीम खाते हुए बहुत भीड़ है अभी के। मेला में बाहर निकलने का रास्ता है, अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा काम है। ये बेटा भोपू खरीदवाया, अब बाजार दिख रहा है आपको। ये रोड है, रोड पे हम लोग जा रहे हैं और इतना भीड़ है। पंडाल का कुछ अता पता नहीं है कि पंडाल कहाँ है अभी, बस भीड़ रोड पे इतना है। अभी चलते हैं, इस भीड़ को क्रॉस करते हैं, इसके बाद पंडाल तक पहुँचेंगे। আমরা প্রত্যেকটা কি সব কোম্পানি তো আছে, আমরা আপনারা বুঝতে পারছেন যারা আগে পৌঁছে গেছে জানতে পারা अभी हम लोग ट्राई करेंगे तंदूरी चाय। इतना अच्छा सजाया है दुकान को कि मतलब मन खुश हो गया। और देखिए यहाँ पे बनेगा तंदूरी चाय हमारा, और हम लोग तंदूरी चाय ही गए थे। लीजिए लीजिए, हाथ बेटा साइड में बोलो। तंदूरी चाय, ओ माय गॉड, पीजिए। तंदूरी चाय अब बाकी दो में नहीं चल रहा है, देखें। ये देखिए ये लाइट जल रहा है पानी डालने से इसमें, और मेरी मम्मी को ना मतलब क्या बोलिएगा, कुछ भी लेना है। अभी ये चंट मेरा खत्म करवाया पैसा, अभी इसको चाहिए। लो पकड़ो पिंटू। मेला घूम लिए, ये थक गए हो गया, अब मामा इनको ढो रहे हैं और इनकी वजह से हम लोग अभी मेला घूमना हो गया। अब चलते हैं घर हम लोग, क्योंकि इनका पैर दुख गया है ना जी। यही रीजन है कि मैं बाहर निकलती हूँ। चलो इधर, बस यही रीजन है कि मैं इसको लेके नहीं निकलती हूँ। थक गया, हम लोग घर जा रहे हैं। चलिए गए वापस घर हम लोग, देख रहे हैं आपको जगधरती। तो बस होपफुली आपको
ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। कोशिश कर रही हूँ मैं कि कंटिन्यू रहूँ ब्लॉग में, तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। लो ना देखो कितनी अच्छी जगह धरती माता है ना, एक बार और देख लीजिए आप, इधर इधर चलना है।